खबर जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से है, जहां मंजरा स्थित एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इसी छापेमारी के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह सहनी और उनकी टीम मौजूद रही। बता दें कि अमरजीत सहनी ने बटुआ के स्थानीय निवासियों द्वारा डीएम और सीएमओ को शिकायत भेजी थी। इसी क्लिनिक में बिना वैध डिग्री के पित्त की पथरी का इलाज किया जा रहा था, जिस पर डीएम और सीएमओ के आदेशानुसार काशीपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई कर सावव खेड़ा स्थित बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पताल और मंजरा स्थित इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक को सीज किया गया। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। द्वारा की गई थी कि यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं जो कि दिल्ली होम्यो क्लिनिक में बैठते हैं और वो कुछ औषधि कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं, जिससे कि पित्ते की पथरी निकल जाती है। इस तरीके का कह के जो है इलाज कर रहे हैं, जबकि अभी हमारे पास हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों ने इलाज भी लिया, किसी की पथरी नहीं निकली है, तो कृपया करके इसका निरीक्षण किया जाए। तो इसकी लेटर जो है एक नगर स्वास्थ्य अधिकारी हमारे लिए, डीएम साहब के लिए, सीएमओ साहब के लिए और एसडीएम साहब को चिट्ठी भेजी गई, जिस पर कि आज कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई से ये पता चला है कि इन्होंने जो डिग्री कर रखी है वो बीईएमएस डिग्री है, तो इसका मतलब हुआ बैचलर इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो कि हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है और इसमें ना ही हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको रजिस्टर कर सकती है, ना ही हमारे जिलाधिकारी वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो इनके पास ना सीए का रजिस्ट्रेशन है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की कोई एनओसी इनके पास नहीं है, और इसमें जो कूड़ा निस्तारण का होता है वो भी इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। इसलिए जो है उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आज ये दुकान